हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम गोपाल जी के लिए इस तरह के पोशाक बनाना बताएंगे आपको, जो कि पहनाने में बहुत ही आसान है और बनाने में उतना ही सिंपल है। इसको इस कपड़े को बहुत ही और जल्द हम तैयार भी कर लेंगे। तो ये देखिए, वीडियो के एंड में हमने पहना के भी दिखाया है। और ये देखिए, पीछे से हमने पीछे से नेट दे करके बनाया है इस फंदे को। और जैसे ही हमने हमारा आगे से ये पीछे से गया है, उसी तरह से हमने आगे में भी यहाँ पर ऐसा ही बनाया है। तो ये देखिए, बनाने के बाद में ये कितना बढ़िया इनमें फिट हो जाता है। खाली इनका फेस ही दिखता है गोपाल जी का। तो ये गोपाल जी को पोंचू हम बनाए, ये हमारे 5 नंबर के गोपाल जी हैं। और 4 नंबर के लिए हमने बनाया है, किसी को देना है। हमारे पास 4 नंबर के गोपाल जी हैं नहीं, तो हम 5 नंबर के गोपाल जी को पहना के आपको दिखा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट करिएगा। तो आइए हम बनाना शुरू करें। हम 4 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रहे हैं। तो फंदे हम नॉर्मल ही डालेंगे इस तरह से, इसको इस तरह से लपेटेंगे। लपेट के इस फंदे को हम धीरे से आराम से निकाल देंगे। एक फंदा, ये दो फंदा, ये तीन फंदा हमारा हो गया, ये चार फंदा, ये पांच फंदा हमारा हो गया। ये हमारा 6 फंदा और ये हमारा रहा 7 फंदा। 7 फंदा हमने इसको देखिए बुनाई कर लिया है। अब यहाँ से हम इस फंदे को सीधे ले लेंगे। सीधा लेने के बाद में इसको हम उल्टा बुनाई करेंगे। देखिए, एक सिलाई हमने ये दो फंदा, हमने 3 फंदा इसको उल्टा बुनाई कर लिया। 1 2 3 फंदा इधर भी हम रखेंगे। अब इसको हम जाली छोड़ेंगे इस तरह से। ये बीच वाले फंदे के आगे और पीछे दोनों हमें जाली छोड़ना है। तो इसको इस तरह से हम, पहले हमने जाली छोड़ दिया और एक इसके बाद में हम जाली छोड़ेंगे और जिसको बुनाई किए वो हमारा सेंटर का फंदा हो जाएगा। और इसके बाद हम इसको बुनाई कर देंगे उल्टा, इसको उल्टा ही उल्टा हमें बुनाई करना है। अब इधर से इसको हम सीधा बुनाई करेंगे और इसको हम पूरा सिलाई इस तरह से हम उल्टा बुनाई कर देंगे। ये देखिए, ये जहाँ हमने नेट दिया था वो इस तरह से फंदा आ गया। तो इसको हम उल्टा बुनाई कर लेंगे। ये देखिए, हमारा ये उल्टा सिलाई बन के कम्प्लीट है। अब जब हम फिर से सीधा सिलाई में आएंगे तो इस तरह से फंदे को पहला हम उतार देंगे। उतारने के बाद में एक फंदा हमने बुनाई किया, ये दो फंदा बुनाई किया और ये हमारा 3 फंदा हो गया। ये हमारा 3 फंदा हो गया। ये जो हमने बीच का सेंटर रखा है, इसी पर हमें जाली देना है। फिर यहाँ से हमें इस तरह से इसको जाली देना है और इस तरह धागे को आगे करते हुए अपनी साइड में इसको हम उल्टा ही उल्टा बुनाई कर लेंगे। और पीछे के साइड में जब हम जाएंगे तो इसको हम उल्टा बुनाई करेंगे। पीछे के सिलाई को एक सिलाई हम उल्टा बना लेते हैं, फिर सीधी सिलाई में आपको बताएंगे कि हमें कैसे बनाना है। अब हम सीधा सिलाई में आ गए हैं। तो देखिए, ये हमारा जो जाली दे रहे थे, ये हमारा लाइन चला आ रहा है सीधा। इस तरह से पहले फंदे को हम सीधा उतार लेंगे, फिर धागे को आगे अपनी तरफ करते हुए इसको हम उल्टा बुनाई करेंगे। ये देखिए, पहले हमने 3 फंदा बुनाई किया, फिर 4 फंदा किया, इस सिलाई में हमने 5 फंदा किया, 1 2 3 4 5। फिर धागे को अपनी तरफ ही रखेंगे,
फिर इस तरह से इसमें हम नेट दे देंगे। देखिए ये हमारा सेंटर पर ही नेट जाएगा और इस तरह से यहाँ भी हम नेट दे देंगे। तो एक फंदा हमने बुनाई कर लिया है और ये देखिए 2 3 4 5 पांच फंदा हमारा ये हो गया। और उल्टा में जाएंगे तो हमें पूरी सिलाई उल्टा ही कंप्लीट करना है। पहले फंदे को खाली उतारना है हमें। तो आइए इसी तरह से ये सिलाई हम कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। इसको किसी भी साइज के कान्हा जी के लिए आप बना सकते हैं। तो देखिए ये हमारा उल्टा सिलाई पूरा हो गया। अब जब हम सीधा में जाएंगे तो फिर से हमें इसी तरह बुनाई करना है। ये देखिए हमारा क्लियर पता चल रहा है कि ये हमारा उल्टा इधर सारा है, इधर भी सारा उल्टा जा रहा है और बीच में ये जो हमने जाली दिया है इसी पर हमारा फंदा बढ़ते जा रहा है। तो इसी के हिसाब से अभी हम थोड़ा सा और बुनाई कर लेते हैं। कम से कम 10 सिलाई बुनाई करते हैं, इसके बाद आगे दिखाएंगे आपको कि इसमें हमें कैसे बनाना है। इसी तरह से एक इधर और एक इधर जाली छोड़ते जाएंगे, ये हमारा सीधा चैन बनते जाएगा और इधर फंदा एक उतार लेंगे और एक इधर उतार लेंगे जब शुरू में हम बुनाई करेंगे तब। अब बाकी उल्टा में हमें उल्टा बुनाई करना है। सीधे साइड में आएंगे तो इधर और इधर का फंदा हमें उल्टा बुनाई करना है। तो आइए इसी तरह से जैसे हमने पीछे बुनाई करके दिखाया वैसे आगे बुनाई करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए हमने इसकी बुनाई यहाँ तक कर ली है। इस तरह से इसकी बुनाई जब करेंगे तो पूरा आएगा। और देखिए इसको, इसमें हमारे टोटल 54 फंदे हुए हैं, यानी 54 फंदे हो गए। अब 54 फंदे को हमें 3 भाग में बांटना है। तो हम इसको डिवाइड करने से पहले 2 सिलाई इसको उल्टा बुनाई करेंगे। तो इधर से एक सिलाई उल्टा बुनाई कर लेते हैं और जब फिर उल्टी सिलाई में आएंगे तो एक सिलाई उल्टा कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसके आगे हम आपको बताएंगे कि हमें कैसे बनाना है। इसमें डिवाइड करेंगे उसके बाद हमें क्या करना है इसमें। तब तक इसी तरह इस सिलाई को हम पूरा कर लेते हैं 2 सिलाई। देखिए हमने 2 सिलाई इसको उल्टा बना लिया है इस तरह से। एक सिलाई हमने सीधा में बनाया, एक सिलाई उल्टे में बनाया है। अब हम आके सीधी सिलाई में आ गए हैं। तो यहाँ से हमें 3 भाग में इस फंदे को डिवाइड करना है। तो 3 भाग में डिवाइड करेंगे तो 18 18 फंदा हमारा एक साइड हो जाएगा। तो पहले हम 18 फंदे को बुनाई कर लेते हैं। जैसे हम पीछे से बुनाई करते आ रहे हैं इसी तरह से हम बुनाई करेंगे। पहले हम 18 फंदा बुनाई कर लेते हैं फिर आपको दिखा रहे हैं। हमने देखिए 18 फंदा बुनाई कर लिया है। एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 2 18। अब इस फंदे को हम इस तरह से इसको बंद कर देंगे। 18 फंदे को हम बंद करेंगे इस तरह से। हम इसको बंद भी करेंगे। देखिए 2 फंदे एक साथ हम बुनाई कर रहे हैं। अब जब 18 फंदा हमारा बच जाएगा तो हम इसको बंद करना स्टॉप कर देंगे। तब हमारा 3 हिस्सों में ये बट जाएगा इस तरह से। हम इसको पूरा कर लेते हैं एक एक फंदा बुनाई करके इसको। देखिए 18 फंदा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 यहाँ तक जब हम घटा लेंगे फिर आपको आगे दिखाएंगे कि हमें कैसे बनाना है। हमारा इधर 18 फंदा हो गया है। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 2 18 फंदा हो गया है। 18 फंदा होने के बाद इसको हम खाली उल्टा ही उल्टा बुनाई कर लेंगे इस तरह से। सिंपल ही हमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही ईजी है तरीका। ये आसानी से हम बना सकते हैं इसको। किसी भी साइज की बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। तो इसको हम पहले ये सिलाई उल्टा ही उल्टा कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद आगे वाली सिलाई में हम आपको बताएंगे कि हमें कैसे बनाना है इसको। अब देखिए ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। जब हम उल्टा सिलाई में आए हैं
तो पहले फंदे को हम जैसे बनाते आ रहे हैं वैसे उतार देंगे। इसके बाद इस तरह से हम पूरा सिलाई इसको उल्टा बना लेते हैं। एक सिलाई, फिर जब यहाँ पर आएंगे हम तब आपको बताएंगे कि हमें क्या करना है। देखिए जब हम इस के लास्ट में आए हैं इस सिलाई के, तो हमें ये दो फंदा बचा है, दोनों फंदे को एक साथ हमें बुनाई कर लेना है। इस तरह से हम बुनाई कर लेंगे और जब सीधा में जाएंगे तो इसको इस तरह से हम उतार लेंगे। उतार के फिर हम इसको उल्टा ही उल्टा बनाते आएंगे। हमें कुछ नहीं करना है, बस वैसे इसको हम कंटिन्यू बनाते जाएंगे। तो इस सिलाई को भी हम उल्टा कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आगे वाली सिलाई में जब यहाँ पर आएंगे हम, फिर आपको दिखाएंगे कि हमें क्या करना है। देखिए फिर हम उल्टा सिलाई में जब आए हैं तो इस तरह से हम दो फंदे का एक फंदा करके हम बुनाई कर लेंगे। हम जब इस तरह से उल्टा सिलाई में आएंगे तब हमें एक फंदा इधर आ करके कम करना है, और जब हम सीधा सिलाई में आएंगे तो पूरी सिलाई इसी तरह से हम उल्टा ही उल्टा बुनाई करेंगे। पहले फंदे को हम इस तरह से उतार देंगे और बाकी का फंदा हम उल्टा बुनाई कर लेंगे। तो आइए इसी तरह से इस पूरे पल्ला को एक साइड का हम इसको कंप्लीट करते हैं और दिखाते हैं आपको कि बनने के बाद ये कैसे हो रहा है। हमने देखिए इसमें 6 फंदे अभी तक घटाए हैं और हमारा 12 फंदा भी इसमें बाकी है। देखिए 2, 4, 6, 8, 10 दोबारा ये फंदा को हम यहीं तक इसको अभी छोड़ देते हैं। अब इस सिलाई का इस फंदा को कैसे घटाना है हम इसमें बताएंगे आपको, क्योंकि इसको और इसको एक बराबर जब हम कर लेंगे तो आगे हमें कैसे बनाना है उसके लिए इसको हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। तो अब देखिए इसको यहाँ से हम दो फंदे को एक साथ कम करेंगे कि कैसे बनाना है। धागा पहले ले लूँ मैं। देखिए इस सिलाई के लिए पहले हमें पूरा ये फंदा हमें उतार देना है और आगे वाली सिलाई में हमें इस तरह से इस फंदे को बुनाई करेंगे। एक सिलाई इसको तो पहले हम बुनाई कर लेंगे, इसके बाद ही हमें घटाना है। सीधा के साइड से हम इसमें फंदा घटाएंगे। तो एक सिलाई इसको उल्टा कंप्लीट कर लेते हैं फिर आपको आगे बताएंगे। देखिए एक सिलाई इसमें हमने उल्टा कंप्लीट कर लिया है, अब हम सीधा साइड में आ गए हैं। तो जब सीधा साइड में आएंगे तो ये पूरा सिलाई हमें यहाँ तक बुनाई करना है। यहाँ पर जब आएंगे तो दो फंदे का एक फंदा हम कम करेंगे। जब यहाँ पर हमने इसमें कम किया था तो इसमें यहाँ पर कम करेंगे, हम इस बात का ध्यान रखना है। तो आइए पहले इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेते हैं, उल्टा बुनाई कर लेंगे। इसके बाद जब हम बंद यहाँ पर कम करेंगे फिर आपको दिखाएंगे। ये देखिए दो फंदे जब हमारे हैं तो इसको हम इस तरह से कम कर लेंगे। कम करके अब जब उल्टा सिलाई में आएंगे तो इस फंदे को पहले हम सीधा उतार लेंगे। उतारने के बाद इस फंदे को उल्टा बुनाई करेंगे। हमें जब उल्टा आना है तो ऐसे ही बुनाई करना है, और सीधा सिलाई में आएंगे तो एक फंदा हम कम कर देंगे। ये फंदा भी हमें वहीं तक कम करना है जबकि इसके बराबर तक हमारा ना हो जाए। तो 12 फंदे जब बच जाएंगे इसमें भी तो इसको हमें यूं ही छोड़ देना है 12 फंदे को। उसके बाद दोनों साइड के पल्ले को कैसे बुनाई करेंगे हम आपको बताएंगे। तो इसको हम कंप्लीट कर लें। तो आइए कंप्लीट करके हम आपको दिखा देंगे। हमारा इस साइड का भी 12 फंदा बच गया है, इस साइड का भी 12 फंदा बच गया है। अब हमें क्या करना है कि देखिए इस तरह से हम दोनों फंदे को एक ही सिलाई पर एक ही साथ हम जोड़ लेंगे, जोड़ करके तब बुनाई करेंगे। एक ही परत हमारा अब आगे से तैयार होगा। तो इस तरह से हम इसको उल्टा बुनाई कर लेते हैं। तो ये पूरा सिलाई बुनाई कर लेते हैं। जब आगे वाली सिलाई में आएंगे तब फिर हम आपको बताएंगे। देखिए सीधे की तरफ से जब हमने ये देखिए ये हमारा सीधा परत है। सीधे की तरफ से जब दूसरा पल्ला हम बनाते हुए आ रहे थे तो इस पल्ले से हम इस पल्ले में अटैच करके एक साथ बुनाई कर लिए हैं। अब हम उल्टा परत में आ रहे हैं, तो उल्टा परत में आएंगे तो हमें इसमें
यहाँ से लेकर के यहाँ तक उल्टा बुनाई करना है। तो इसके पहले ये जो दोनों में का बीच में का दो फंदा आ रहा है, देखिए, दो दो चार दो छः दो आठ दो दस, दो दो चार दो छः दो आठ दो दस, दस दस इधर हो गए, एक ग्यारह ग्यारह इधर हो गए। ये जो दो फंदे हैं, दोनों फंदे को हमें एक साथ बुनाई करना है ये पीछे वाली सिलाई में। तो आइए इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए ये वाला जो दोनों परत हमने एक साथ लिया था, बस इसी सिलाई में ये दो फंदे को हम एडजस्ट करने के लिए एक साथ इसको बुनाई करें, ताकि हमारा 12 12 फंदा आगे वाले में नहीं होना चाहिए, एक फंदा हमें और होना चाहिए, नहीं तो एक फंदा कम होना चाहिए। तो एक फंदे को हमने इसमें कम किया है, दो फंदे को एक साथ कम करके, ताकि आगे वाला हमारा जो भी डिजाइन बने वो क्लियर बन सके। तो इस तरह से इस सिलाई को हम पूरा कर देंगे। और सीधी सिलाई में जब हम आएंगे तो यहाँ पर आपको आएंगे तो फिर दिखाएंगे कि हमें कैसे बनाना है। देखिए 10 फंदा हमने इधर बुनाई कर दिया है, दो चार छः आठ दस, और 10 फंदा इधर हम रखेंगे, दो चार छः आठ दस, इस तीन फंदा है, तीन फंदा को हम इस तरह से इसको घटाएंगे। और ये वाला जैसे हम गले घटाते हैं उसी तरह इस तीनों फंदे को हमें एक साथ बुनाई कर देना है। इस तरह से इसको हम सीधा इस तरह से इसको हम ले लेंगे, ले करके बुनाई करेंगे, फिर धागा आगे तरफ करके और पूरा फंदा हम पूरा सिलाई उल्टा ही कंप्लीट करेंगे। जब सीधा सिलाई में आएंगे तो हमें इसी तरह से इसको कंप्लीट करना है, और उल्टा सिलाई में आएंगे तो हमें इसको खाली उल्टा ही उल्टा बनाना है। तो आइए एक सिलाई और हम उल्टा बना लेते हैं, फिर आगे वाली सिलाई में जब सीधा बनाएंगे तो आपको बताएंगे, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो बनाने में। देखिए जब हम सीधा में आ गए तो फिर एक बार दिखा रहे हैं, इस धागे को पीछे की तरफ कर लेंगे, इस फंदे को ऐसे ले लेंगे, इसको पीछे वाले फंदे को इस पर चढ़ा लेंगे, और इस आगे वाले फंदे को हम इस पर ले लेंगे, और तीनों फंदे की बुनाई एक साथ हम इस तरह से पीछे से कर लेंगे। ये देखिए हमारा इस तरह का शेप आ जाएगा। और फिर धागा आगे की तरफ लेते हुए हम पूरा सिलाई उल्टा ही कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हमें आगे का पैटर्न पूरा करना है। उल्टा में जाएंगे तो उल्टा बना लेंगे, सीधे में जाएंगे तो बस तीन फंदे को हमें कम करना है। देखिए इस तरह से हमारा ये बनते जाएगा। तो आइए इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। जब लास्ट में आएंगे, फंदा तीन फंदे बचेंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें कैसे बनाना है। देखिए यहाँ तक हम आ गए हैं, हमारा सात फंदा बचा है। तो जब हमने यहाँ से शुरू किया था, ये देखिए यहाँ से, तो हमारा जब सात फंदा से हमने शुरू किया था तो यहाँ भी हमारा सात फंदा आएगा। तो हम इसको बंद कर देंगे, इसको उल्टे सिलाई में इसी तरह से हम बंद करेंगे, जैसे कि हमने कैप के पास यहाँ पर बंद किया था। दो फंदे को एक साथ बुनाई करेंगे, फिर इस फंदे को इस पर ले लेंगे, फिर दो फंदे को एक साथ बुनाई करेंगे, फिर इस फंदे को हम इस पर ले लेंगे। तो आइए इसको बंद करके आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए हमने इसको यहाँ पर ला करके बंद कर दिया है। ये हमारा बाद वाला पोर्शन है, और ये हमारा शुरू वाला पोर्शन है जहाँ पर कि हमने जाली छोड़ा था। इसको नोट लगा लेते हैं अच्छी तरह से। अच्छी तरह से हमने दोनों साइड में नोट लगा लिया है और हमारा ये पक्का हो गया है। अब आप चाहें तो इस पर डेकोरेट के लिए कोई भी तरह के आप इस पर लगा सकते हैं, चाहे लेस लगा सकते हैं या शो बटन लगा सकते हैं, या आप क्रोशिए का फीता बना करके भी इस पर लगा सकते हैं, और चाहिए तो किनारे किनारे पर भी आप क्रोशिए चला सकते हैं। पर आइए हम गोपाल जी को भी पहना करके इसको दिखा रहे हैं। ये जो फंदा हमने आपको घटाया था वहाँ से यहाँ तक का ये हमारा जाहिर हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक का। बहुत ही अच्छी और फिटिंग ड्रेस आएगी गोपाल जी में, पहनाने में भी ये बहुत ही सिंपल है। देखिए हमने एक शो के लिए यहाँ पे बटन लगा दिया है,
देखिए इस तरह से कपड़े को हम डाल देंगे, पहना देंगे, पहना के इसको ऐसे कर देंगे। कितनी अच्छी फिटिंग आ रही है इनमें। और ये देखिए हम बैक साइड से दिखा रहे हैं आपको, और देखिए बैक साइड से भी काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है इनका, इनके पूरा बदन भी कवर हो गया है। और ये देखिए ये हम फ्रंट से दिखा रहे हैं आपको। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, शेयर करें, वीडियो को भी लाइक करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर के आपके साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।